दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अभिमन्यु में। तो दोस्तों सबके बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन पे बहुत लोग बोल रहे थे कि 5.55 का या 5.50 का जो है ये जेलब्रेक वर्जन कब आएगा। दोस्तों आज हम उसी के बारे में टॉपिक बात करेंगे, बिकॉज एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है 5.55 का वर्जन कब आएगा कब नहीं आएगा, बिकॉज किसी को पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और आधों को नहीं है। तो आज मैं सबके वो डाउट मैं आपसे क्लियर करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल जो जेलब्रेक आया है वो सिर्फ वर्जन 5.05 तक का ही आया है। आपको मैं दिखा देता हूं कि जहां कहां से चेक करते हैं, तो सिस्टम में जाकर सिस्टम इन्फॉर्मेशन जाकर आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर 5.05। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ 5.05 तक का सिर्फ जेलब्रेक आया है, 5.05 का 5.55 का नहीं आया है। दोस्तों तो प्लीज जो ये सब स्पैम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ये सिर्फ क्लिक बेट्स हैं, ये सिर्फ स्पैम फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही जेलब्रेक आया है इसका मार्केट में अभी दोस्तों। बिकॉज बहुत एक हाइप क्रिएट हो चुकी है सब गेमर्स के बीच में, बिकॉज अब सब जेल ब्रेकिंग के थ्रू ही अब सब अपनी गेमिंग लोग चलाना चाहते हैं। बिकॉज बहुत ही जैसे मैं अभी GTA 5 खेल रहा हूँ, इसकी लगभग 2500 की या 3000 की CD है इसकी। तो जेल ब्रेकिंग के थ्रू हमें ये सब गेम्स हमें फ्री में हमें खेलने को मिल जाती हैं। दोस्तों रिसेंटली जो भी गेम्स लॉन्च हुई हैं दोस्तों, Battlefield 5 और मच अवेटेड स्पाइडरमैन कर तो वो सब लॉन्च हुई हैं, वो सब 5.55 पे लॉन्च हुई हैं। तो हम उन सबको अभी नहीं खेल सकते हैं करंटली, तो हम सबको वेट करना पड़ेगा 5.55 के जेलब्रेक का आने का। तो दोस्तों लोगों का है कि ये कब आएगा, आएगा कब 5.55 आएगा अभी कि नहीं आया। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि वो प्राइवेटली जो है वो जेलब्रेक हो चुका है, बिकॉज बहुत ही जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन्होंने वहां पर अपने लिख चुका है ये 1-2 महीने पहले से ही। जब 5.05 का जेलब्रेक आया था तो तभी से ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो 5.55 है हमने उसका भी जेलब्रेक कर लिया है, बट वो हमने भी प्राइवेट में जेलब्रेक किया है। दोस्तों इन सबकी एक मैं एक बहुत ही अच्छी वजह सबको बताना चाहता हूं कि वो अभी जेलब्रेक रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं और उनको अभी 1 महीने तक उनको जेलब्रेक रिलीज करना भी नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों अब सही सुन रहे हैं, आप सब सोच रहे हैं कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूं कि 5.55 का जेलब्रेक रिलीज क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें वेट करना चाहिए लगभग हमें 1 महीने का और आई थिंक जो डेवलपर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी सिर्फ थोड़ी ही गेम्स हैं जो 5.55 पर रिलीज हुई है, जैसे बैटलफील्ड 5, स्पाइडरमैन। दोस्तों आप सब ये भूल रहे हैं कि अभी भी बहुत से अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं जो आना बाकी हैं, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2, 2K18, FIFA 19, PES 2019। दोस्तों ऐसे ही बहुत टाइटल्स हैं जो अभी आना बाकी हैं। दोस्तों अगर वो इसका जेलब्रेक अभी ही रिलीज कर देंगे तो जो सोनी जो अपनी नेक्स्ट गेम्स हैं तो वो सोनी क्या पता अपने वर्जन 5.56 पर वो रिलीज कर सकती है, या फिर वो 6.00 पे सोनी वो गेम सबको रिलीज कर सकती है। दोस्तों हमें 1-2 गेम्स के लालच में आकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी और भी कई गेम्स हैं। दोस्तों डेवलपर्स यही सोच रहे हैं कि जैसे ही और भी गेम्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगी, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो कि एक बहुत ऑसम गेम होने वाली है, और बाकी जो भी टाइटल्स हैं जो भी रिलीज होने वाले हैं दोस्तों, वो इसी का वेट कर रहे हैं कि कब कब जो है ये सब टाइटल रिलीज होंगे और जो सोनी जो है इन सबको 5.55 पर रिलीज करेगी, 90% इसकी गारंटी है। तो दोस्तों वो तब उसके बाद उसको रिलीज करेंगे, बिकॉज अगर वो अभी रिलीज कर देंगे तो उनको रिस्क है कि जो बाकी जो गेम्स जो अभी टाइटल्स रिलीज होने हैं वो सोनी 5.56 पर या 6.00 पर सोनी रिलीज कर सकती है। तो इस चीज का रिस्क नहीं ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हर बार वो ऐसा ही करते हैं। पहले भी जब 5.55 का जेलब्रेक जब 4.55 का जब जेलब्रेक आया था तो दोस्तों वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों पिछली बार भी जब 4.55 का जब जेलब्रेक आया था तो 5.05 के आने में बहुत टाइम लग चुका था, और वजह यही थी कि वो बहुत सारे टाइटल्स का आने का वेट कर रहे थे जो कि रिलीज होने थे आगे नेक्स्ट 1-2 महीने में। दोस्तों जब 4.55 का जब जेलब्रेक आया था मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि काफी सारे टाइटल्स थे जो बिकॉज बहुत ही गिनती में लगभग 20-30 टाइटल्स थे जो मैं नहीं खेल पा रहा था, उनमें से एक गॉड ऑफ वॉर भी था दोस्तों, बट सबर का फल मीठा मीठा होता है। प्लीज ऐसे किसी स्पैम वीडियोस पे मत जाइए दोस्तों और वेट कीजिए, मैं ये प्रॉबेबली श्योर होके कह सकता हूँ कि आने वाले 1-1.5 महीने में वो रिलीज कर देंगे, ये बात पक्की है कि रिलीज होगा ही होगा, बिकॉज उसको एक्सप्लॉइट कर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही वो नेक्स्ट एक्सप्लॉइट करेंगे दोस्तों, वो उससे पहले रिलीज नहीं करेंगे दोस्तों, जब भी वो नेक्स्ट एक्सप्लॉइट करेंगे जैसे 5.56 का 6.00 का, जैसे ही जो
वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे दोस्तों, वो तब भी रिलीज करेंगे, और वो टाइटल्स के आने से, नए नए टाइटल्स के आने से पहले वो रिलीज नहीं करेंगे, ये बात पक्की है दोस्तों। देखते हैं कब रिलीज होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाना, और साथ बने घंटे के ऑप्शन को जरूर दबा देना ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस का आप मजा उठा सकें सबसे पहले।